हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने ही चैनल अनसार टेक्निकल गुरु में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आपका भी है बैंक अकाउंट, अगर आपका भी खाता है किसी बैंक में, चाहे वो SBI हो, पंजाब नेशनल हो, जो भी हो, एनी कोई भी हो, किसी बैंक में अगर आपका बैंक ये खाता है और फिर ये कोई सिम है आपके पास, चाहे आइडिया हो, जियो, एनी वे कोई भी हो, आप कोई भी सिम यूज़ करते हो या फिर आपका पेटीएम अकाउंट है जिसमें आपने KYC करवा रखा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं बता दूं इसमें कि KYC, जैसे एक एग्जांपल तौर पर आपने आधार लिंक करवा रखा है बैंक से हो, सिम कार्ड से हो या फिर पेटीएम से हो, तो आपको मैं बता दूं इसमें जो है नुकसान क्या होने वाला है, और ये भी बताऊंगा कि इस नुकसान से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है। तो अब देरी ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर मेहमान हैं हमारे चैनल पर, गेस्ट हैं, तो सबसे पहले आप ये करिए कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो जो है आपके पास पहुंचे, और आप भी जो है आसानी के साथ जो है कोई भी जो प्रॉब्लम आपके पास आने वाली हो, तो उस प्रॉब्लम को आने से पहले या अगर आपके पास आ गया हो तो मैं उसका सोल्यूशन आपको बताऊंगा, और बिल्कुल मतलब केयरफुली की तरफ, बिल्कुल जो एक्टिवल होती है आपको उस तरीके से बताऊंगा, और फिर आप आसानी साथ जो है अपने उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन में तब्दील कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने भी अगर बैंक में ये कर रखा है, आधार लिंक कर रखा है या सिम कार्ड लिंक कर रखा है, ये सिम कार्ड से अपने आधार को लिंक कर रखा है, या पेटीएम हुआ, पेटीएम में अगर आपने KYC कर रखा है आधार से, तो सुन लीजिए आपको। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने बैंक अकाउंट में अपने आधार को लिंक रखा है तो आपको आपको पता होना चाहिए या पता होगा ही, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले ही ये बताया था कि आप जो है आधार कार्ड आप कहीं नहीं यूज़ करेंगे, अब आपकी इच्छा जो है आप दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं, जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कर दिया है तो मुझे क्या ज़रूरत है कि अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल डाटा जो है कि मैं किसी को दूं, और वो हो सकता है अभी तो नहीं कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में जाके मेरे जो पर्सनल डाटा है उसको कैसे यूज़ करें, किधर यूज़ करें। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि फेसबुक जो है इसी तरह सबका डाटा लेके एक बार जो है सारी कंपनी को, मतलब अपने जो जितने डाटा थे लोगों के, उसको जो है दूसरी कंपनी से बेच दिया था। तो उस बिना पे लोगों ने उसमें बहुत जो है स्ट्राइक किया था और कहा था कि इसको डिलीट करो, फेक है, ये है, मतलब जो आलतू फालतू जो था सारा काम किया। तो इसी तरह हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो, अभी तो ले रहा है, अभी तो ट्रस्टेड कंपनी है, ले रहा है, फिर आगे चल कर पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, और आपके आधार के किस तरह नुकसान करेगा। तो मैं आपको बता दूं, तो आप जो अगर आप तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ चुका है, तो अगर आप भी अपना डीलिंग करवाना चाहते हैं अपने आधार को अपने बैंक से, सिम कार्ड से, पेटीएम से, तो मैं आपको बता दूं, अगर बैंक से अगर करवाना है तो आपको सबसे पहले जो अपने नज़दीकी बैंक है आप वहाँ पर जाइए, और वहाँ पर जो मैनेजर है वगैरह, जो मैनेजर सब है उनसे आप बात करिए, या फिर आप एक एप्लीकेशन लिखिए और उसमें लिख दीजिए, बता दीजिए कि आप जो है मैं इसको आधार को डीलिंग करवाना चाहता हूं, तो वो आप जो है वो क्या कहते हैं वो बैंक वाले जो आपको मतलब एक्सेप्ट कर लेगा। और मैं आपको बता दूं दूसरी चीज़, तो पेटीएम का मैं बता दूं, अगर पेटीएम में भी आपने KYC कर रखा है तो आप अभी देख सकते हैं ये नंबर जो दिख रहा है आपको, तो इस नंबर पे जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये नंबर पे आपको क्या करना है, डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, इस नंबर पे कॉल करना है, आपको डायरेक्टली कंपनी से कनेक्ट हो जाएगी बात, मतलब फ़ोन लग जाएगा, और आप उनसे बात करिए और उनको कहिए कि आप जो हमने आधार लिंक करवाया है मैं इसको डीलिंग करवाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है इसके बिना पे मैं अपने आधार कार्ड को मैं किसी के साथ लिंक करवाना नहीं चाहता, तो वो आपके मेल आईडी पे, जीमेल आईडी पे आपको एक मेल भेजेगा, और वहाँ पे आपको प्रूफ के लिए, आइडेंटिफाई के लिए आपके आधार के मतलब कुछ फोटो वगैरह मांगेंगे, और उसके बाद जो है आपके जो मतलब आधार को इस पेटीएम से डीलिंग कर देगा, हटा देगा, फिर आप जो है आसानी के साथ आप फिर उसको जब से डीलिंग हो जाएगा तो उसके बाद फिर आप दूसरी छोटी KYC, मिनी KYC आप वो कर लेंगे, तो फिर आप आसानी के साथ वही काम कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं ये चीज़, वो सिम वाले जो सिम में अगर आपने लिंक करवा रखा है, जैसे सिम में आपने अपने आधार को लिंक करवा रखा है, तो आप जो है कंपनी जो है मतलब जिस कंपनी की हो, आपको आइडिया हो, जियो हो, एयरटेल हो, जो भी हो, आप उनको फ़ोन करिए और कहिए कि मुझे इससे डील करवाना है, मुझे नहीं रखवाना है आधार, तो आपके जो मतलब जो आधार कार्ड है उसको आप डीलिंग कर देगा, और फिर आप आसानी के साथ जो है अपने डाटा को सेव कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो मैंने ये सारी चीज़ें बताई है मैं पूरे प्रूफ के साथ बताया हूं, क्योंकि मैंने सबसे पहले जो बैंक वगैरह पता किया, उसके बाद फिर पेटीएम कस्टमर केयर को मैंने बात किया और बताया, और उनसे पूछा तो उन्होंने बताया हाँ ऐसा करके आप ये चीज़ करना होगा, आप ये सारा काम करोगे तो आपका डीलिंग हो जाएगा। और फिर सिम कंपनी से हमने भी बात करी है तो उन्होंने भी यही कहा
आपको पूरा मतलब आइडेंटिफाई के लिए आपको सब कुछ देना पड़ेगा, उसके बाद आपका ड्रिलिंग कर दिया जाएगा। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि आपको करना क्या है। तो और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसमें नुकसान क्या है। नुकसान यही है कि जो हमने पहले बता दिया, जैसे कि फेसबुक कंपनी जो है पूरे डाटा को बेच दिया था, पूरे मतलब आप सोचते हैं कि इस मेरा नाम पता जाने से क्या हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं यही चीज़ आपकी बहुत बड़ी चीज़ है। तो बस मैं समझता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर ले और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले, अगर उन्होंने भी अगर ये कर रखा है तो वो अपने आधार को ड्रिलिंग करवा ले और फिर वो भी फ्यूचर में सही से रहे। तो बस आज के लिए यही वीडियो, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।